Next example, what is the output of again regarding given for loop statement? In that case, इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्सिस प्रोवाइड किए हैं, से हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं चाहता इसको सिंप्लीफाइड वे में भी डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल था, लेकिन प्रॉब्लम को स्किप नहीं करना चाहता, इसलिए आपको हाईलाइट करना जिससे आपके लिए मीनिंग क्लियर होगा। फर्स्ट वन, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आप प्रॉब्लम्स को वन बाई वन सॉल्व करने, वन बाई वन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में कोई भी टू स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करते लाइक दैट एक्स स्पेस समथिंग वाई, देन इसका जनरली मीनिंग क्या रहता है इस केस में, इन दोनों ही केसेस में परफॉर्म क्या हुआ, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, रिजल्ट क्या आएगा इसका एक्स वाई। सेम इस केस में प्रिंट एफ के अंदर टू स्ट्रिंग कंटिन्यूस फॉर्म में प्रोवाइड किया, इसका मीनिंग क्या है, इक्वलेंट टू सी प्लस प्लस एज अ वन स्ट्रिंग और सिंगल स्ट्रिंग्स। फर्स्ट वन वन बाई वन और लाइन बाई लाइन इसको प्रोसेस करेंगे। अगेन सिक्वेंस वन के अकॉर्डिंग चांस के इसको प्रोवाइड हुआ मेन फंक्शंस, जो भी इस प्रोग्राम के केस में आउटपुट डिस्प्ले हुआ, आउटपुट में करंटली साइड में डिस्प्ले करा रहा हूँ। नेक्स्ट वन, इसके अलावा परफॉर्म क्या कराएंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशंस इस लेफ्ट में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट वन सेकेंड सिक्वेंस के अकॉर्डिंग जैसे कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ, परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स, मेमोरी एलोकेशन फॉर आई इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी, मीन्स स्टैक मेमोरी, यानी इसके इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट कराना है, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वेरिएबल आई। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, 123। नेक्स्ट वन वेरिएबल आई, आई के रिगार्डिंग में जब इस आई में इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करें, इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होने से जस्ट पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट पहले प्रिंट एफ प्रोसेस होगा, तो प्रिंट एफ में दोनों ही स्ट्रिंग जब कॉन्किनेट होंगे इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या रहेगा एज अ सिंगल स्ट्रिंग सी प्लस प्लस लाइक दैट सी प्लस प्लस, इस प्रीवियस प्रिंट एफ इज इक्विवेलेंट टू गिवन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन I में इनिशियलाइजेशन करने से जस्ट पहले I के अंदर जैसे इस टाइप से भी वैल्यू प्रोवाइड करना पॉसिबल, इट इज ऑल्सो वैलिड सिंटैक्स इन C। इस केस में I में क्या आसान होगा, वन, लेकिन अभी करंटली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हो जाएगा, मैसेज एच सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में टोटल सिम्बॉल्स कितने हैं, वन टू थ्री, इसलिए फाइनली प्रिंट एफ के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा, वैल्यू एच थ्री, देन थ्री के केस में इसका इक्वलेंट मीनिंग क्या होगा, लाइक थ्री मीनिंग क्या इसका, वैल्यू एज थ्री देन क्लोजिंग लाइक दैट। फाइनली आई में वैल्यू क्या आसान होगा, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ आई बिकम्स थ्री, मीन्स इनिशियली एक्स का वैल्यू फाउंड हो रहा 123 एंड आई का वैल्यू फाउंड होगा थ्री। नेक्स्ट हम लूप को प्रोसेस करेंगे, लूप के केस में इसका सिक्वेंस क्या था, टू थ्री, देन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के केस में सिक्वेंस क्या, फोर, एक्स इज इनिशियलाइज्ड बाय जीरो, मीन्स एक्स का न्यू वैल्यू क्या आएगा, मीन्स एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था, 123, ना 123 रिप्लेस्ड बाय जीरो, इस 123 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू एज जीरो। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, फिफ्थ केस, फोर फाइव, कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन टेस्ट कराएंगे, एक्स लेस देन इक्वल्स टू आई, एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे एक्स का करंट वैल्यू, इस प्लेस पर राइट करना एक्स लेस देन इक्वल्स टू आई, एक्स का वैल्यू फाउंड हो रहा है मेमोरी में जीरो, वेरिएबल्स के प्लेसेस पर हमेशा वेरिएबल्स का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, आई का वैल्यू फाउंड हो रहा है एज अ थ्री, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, जीरो लेस देन थ्री कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा, इसके इसमें ट्रू के केस में रिजल्ट क्या आएगा, वन। इसके जिस बात कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी एज अ सिक्स्थ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो फाउंड हो रहा है इसलिए इमीडिएटली डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वैल्यू है जीरो। नेक्स्ट वन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करने के बाद सिक्स सेवन्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्या होगा, एक्स प्लस प्लस, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, नाउ जीरो इज रिप्लेस्ड बाई वन, दिस इज द करेंट वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन सेवन, सेवन्थ मार्क किया था टॉप में राइट कर रहा हूँ जस्ट सेवन, देन एट्थ स्टेटमेंट क्या, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, एक्स के प्लेस पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन, आई के वैल्यू में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं, इसलिए आई का वैल्यू क्या है, अगेन थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू, वन लेस देन इक्वल्स टू थ्री, ट्रू होने के इसमें नाइन्थ केस में चांस किसको मिलेगा, बॉडी अगेन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाउंड हो रहा है वन, देयरफॉर इट विल प्रिंट वन। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन टेंथ केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ, एक्स प्लस प्लस, एक्स बिकम्स टू, एक्स का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, टू,
because of just increment operations. Then increment case for 11th case में perform क्या हुआ, condition testing. Condition testing के according x के place पर replace करेंगे value of x is 2 and i के place पर replace करेंगे value of i is 3. Condition again true. True होने के case में फिर से chance case को plot करेंगे body session 11 then 12. 12 case में printf से value x का value display कराएंगे और x का value क्या found हो रहा 2. Next one again 13. Perform x plus plus. X ka next time value kya hoga? 3. Then condition testing. 13 then 14 case. 14 mein condition test hoga. Condition mein x ka value kya hai? 3. I ka value kya hai? Also 3. Condition again true. True hai phir se printf se x ka value display karayenge aur x ka currently value kya hai? Value of x is 3. Isliye message kya print hoga? 3. Next time 14 then 15. Next time perform kya hoga? Again increment decrement x plus plus value of x becomes finally 4. Ab x ka current value kya hai? 4. 4 ke case mein fir se condition test karenge, x ke place par replace karenge 4, i ke place par 3. 4 less than equals to 3 condition become false. False hai then control kahan aayega? Outside. Outside ke case mein iska sequence kya hai? Condition testing mein 16 ke baad 17th case, then jab control bar send karenge outside body, then this one is 18, then 19. Finally, this program output kya? C++ 0, 1, 2, 3.